नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आज के दे ऑल अबाउट लुक्स के फाइनल एपिसोड में। इस वीडियो में हम देखेंगे अंशु भाई के समझने के पूरे जर्नी के रिकैप को। तो अगर आपने इस सीरीज के पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तूने न्यूज में देखा कल के लूनर एक्लिप्स के बारे में? लूनर मतलब? मतलब जो मून का होता है। चांद? चांद तो मैंने भी देखा था। महेश अंकल का टकला देखा क्या आपने? हमारे स्कूल में एक लड़की है, कितना मेकअप करती है, उसको लगता है बहुत सुंदर दिख रही है, ऐसा लगता है पाउडर से नहा के आई है। क्या यार, तू एक ही बात करता रहता है हमेशा। फुआ जी, अंशु को समझाओ तो। क्या हुआ? हमेशा हर किसी का मजाक उड़ाता रहता है, किसी किसी को कुछ भी बोलता रहता है। देखो मैं तो तुम्हारे से सहमत हूँ। अरे कुछ सुंदर लगना भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो मैं भी सोचता हूँ सुंदर तो लगना ही चाहिए ना। जैसे हम घर बनाते हैं तो सुंदर लगना ही चाहिए, हम रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो मैं तो तुम्हारे पक्ष में हूँ। मैं तो उनको समझा के जाऊँगा अभी, पता है? हाँ, अभी मैं तो छोटा हूँ तो मैं क्या बोलूँ उनको। आप अच्छा बता के जाना उनको। लेकिन सुंदर कब लगता है आदमी, थोड़ा सोच के देखना कभी, जब भी उसके पास व्यवहार कुशलता हो। अच्छा, मतलब व्यवहार में सुंदर हो ना, व्यवहार करने में सुंदर लगे। तो और देख नहीं पाते होंगे। क्यों नहीं देख पाते भाई, व्यवहार करते पता चलता है हमको। कोई डांट डपटने वाला है, लड़ने झगड़ने वाला है, भले ही चेहरा उसका तुम्हारे मान्यता अनुसार हो जाए, फिर भी वो सुंदर नहीं लगता है। ऐसे आदमी सुंदर कब हो गया? जब उसके पास व्यवहार कुशल हो गया। व्यवहार कुशल होने का मतलब सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसके पास। आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओ, फटाफट सॉल्यूशन मिल जाए, कितना सुंदर लगेगा। भाई आप मसल वाले के पास क्या जाते हो? कोई दादागिरी कर रहा है तो उसका एक सॉल्यूशन इमिडिएटली या जाएगा, पहलवानी करेगा, है ना? ऐसे ही सॉल्यूशन ही कुल मिला के सुंदरता है। तो कोई व्यक्ति यदि सॉल्यूशन संपन्न हो जाए तो मुझे लगता है वही सुंदरता है। ये बात तो अच्छी है, सही बात है। सोचिएगा, बाकी तुम्हारी हमारी दोस्ती रही, सुंदरता तो चाहिए चाहिए, उसमें मैं सहमत। बाकी मैं उनको समझा के जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, एग्रीड। ओके, एग्रीड। तो इस वीडियो में अंशु भाई को समझ में आया कि आदमी सुंदर होता है दो चीज़ों से, एक है स्वस्थ शरीर और एक है व्यवहार कुशलता। पर अभी पूरा तो समझ में आया नहीं है, तो आगे क्या करते हैं ये चलिए देखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे फ्रेंड के पास एक डील है, उसमें वो नया फ़ोन है उसका, उसको चाहिए नहीं, 10,000 में आपको दे देगा। ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब भी कर दो। हाँ, मैंने आपको फ़ोन बताया था ना, वो मुझे एक लड़के ने बोला कि सस्ते में दिला देगा यार, तो मैंने उसको बोल दिया, तो उसने फ़ोन नहीं दिया। तो समझ में आता है, बताओ क्यों चाहिए था? आपको क्या लग रहा है? अब नया फोन अभी तो शॉप वगैरह के लिए सबके पास है, लेटेस्ट मॉडल रहना चाहिए, तो ऐसा ही है। मॉडल तो लेटेस्ट ही होना चाहिए भैया। अच्छा, ये लोग कई लोग बोलते रहते हैं शो ऑफ शो ऑफ, ये शो ऑफ क्या चीज़ है? देखो कोई भी आदमी है उसके दो भाग हैं, कोई भी आदमी होगा दो भाग है। एक तो वो भाग जो दिखता है, जैसे मैं ही हूँ तो मैं कुछ दिखता हूँ, मेरा रंग है, रूप है,
है ना, बाल हैं, खाल हैं, कपड़े हैं, इसको शो ऑफ कहते हैं क्या? तो मनुष्य में दो भाग हैं, एक तो वो भाग जो कि आंखों से दिखाई देता है, आप आए तो मैं आपको बैठा हुआ दिखाई दिया ना, तो ये शो होता है, ये दिखता है, यह मेरा एक भाग है जो कि आंख कान नाक से दिखाई देता है, लेकिन मेरा एक और भाग है और वो है मेरा स्वभाव, मेरा पिछली बार बताया था व्यवहार कुशलता, तो मेरा व्यवहार कुशलता, मेरा स्वभाव, यदि वो प्रकट नहीं होता है तो जो कुछ भी प्रकट होता है वो उसको बोलते हैं शो ऑफ, जो शो होना चाहिए वो शो नहीं हुआ तो शो ऑफ हो गया। मुख्य बात है कि जो शो होना चाहिए वो शो तो हो नहीं रहा है, इसी के लिए शो ऑफ अपने आप हो जाता है, तो लोग सिंपल रह के भी शो ऑफ कर रहे हैं। आज के ज़माने में क्या है, आप देखो ना, कोई अच्छा नया बड़ा हैवी मोबाइल रखना ही थोड़ी ना शो ऑफ है, कोई बिना मोबाइल घूमता है वो भी शो ऑफ है आज, कोई है ना बढ़िया टेरिकॉट टेरिलिन कपड़ा पहनता है और कोई खादी कपड़ा पहनता है, खादी वाला भी शो ऑफ ही है। आजकल तो मट्टी का घर बनाने का शो ऑफ चालू है, पता है, ऑर्गेनिक खाने का, तो ये सब सच्चाई है, लेकिन इतना ही हो रहा है कि जो आदमी से प्रकट होना चाहिए कौन सी बात, व्यवहार कुशलता, स्वभाव, यदि स्वभाव और व्यवहार कुशलता प्रकट नहीं हुआ तो जो प्रकट होगा वो अधूरा है, वो अधूरापन ही शो ऑफ है, इसके लिए अलग से क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। तो शो ऑफ समझ में आया, तो शो ऑफ के पीछे लड़ाई होने नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज शोइंग ऑफ ना, ये पेड़ ये शो ऑफ हो रहा है कि ना, देखो दिख रहा है हमको, लेकिन पेड़ को आंख से जितना देख पाते हैं इसके, इस पेड़ में कोई व्यवस्था भी है वो तो हमको दिखती नहीं है, तो जब तक वो नहीं दिखी तो इसी को हम सच्चाई मानते हैं, अधूरी जो आंख से दिख रही है, ये आसमान, ये आदमी, ये जानवर, ये पेड़ पौधे, फूल, ये सब आंख से भी दिखते हैं और समझ से भी दिखते हैं, तो जब तक समझ से नहीं दिखा तो ये शो ऑफ है, तो हर इकाई में शो तो कुछ हो ही रहा है, प्रकट तो हो ही रहा है कुछ, मानव का शो पूरा कब होगा, जब उसमें व्यवहार कुशलता कोई बात और मानवीय स्वभाव प्रकट हो जाए। तो अंशु भैया को ये तो समझ में आ गया कि कोई दिखने वाली चीज उनको खुश नहीं कर सकती, वो सब शो ऑफ है, असली में तो कुछ और ही शो होना था, अगर हम कोई दिखने वाली चीज में सुख ढूंढते हैं तो वही शो ऑफ है। चलिए अब आगे देखते हैं। महंगी चीजें तो बहुत छोटी बात है, अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा ढूंढना चाहिए, तो अभी अपन जा रहे हैं मेरे एक भाई के पास जो मुझे ट्रेनिंग करना सिखाने वाले हैं, वो बोलते हैं कि एक रात में मुझे लाखों रुपए कमाना सिखा सकते। अरे अंजू को समझ में आता है कि नहीं आता है? क्यों, क्या क्या उसने आपको क्या लगता है, आपके फोर्स करने से या फिर जो अनुभव के साथ प्रैंक किया उससे कुछ समझ में आया होगा? अब क्या किया उसने यार? वो जा रहा है ट्रेडिंग सीखने अपने फ्रेंड के पास, उसने पैसा कमाना अपना लक्ष्य बना लिया। अब क्या मुझे जाना पड़ेगा मामा जी के पास बात करने के लिए? पापा मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि अंशु को समझा सके अपन लोग, है ना, पर वो समझता ही नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ नया काम करता रहता है। पहले जब आपसे सुना के बात करी थी तो लुक्स पे लोगों का मजाक उड़ा रहा था, है ना, फिर कुछ और करने लग गया, अब कुछ स्टॉक मार्केट में कर रहा है, पैसे कमाना है, इसने लक्ष्य बना लिया है। तो कितनी बात कर रहे हैं बट वो सुन ही नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ, भूख लगती है खाना खाता है कि नहीं खाता है? तो समझ में आता है, हिंदी समझ में आता है, तो जैसे हर आदमी को समझ में आता है वैसे उसको भी समझ में आता है, और किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हम कैसे पता कर लेते हैं? क्योंकि वो वैसा कर नहीं रहा है ना। कैसा? जैसा आप चाहती हो। आप अच्छा चाहो या बुरा चाहो उसे इट हार्डली मैटर्स, आप चाहो और कोई दूसरा करे वो आपकी परेशानी का कारण बनने वाला है। क्या बात है यार दीदी, दो दिन में इतना प्रॉफिट तो कभी भी नहीं हुआ।
भैया एकदम सही बता रहे हैं यार, वेरी नाइस। अरे क्या हो गया आपको यार, जब से मामा जी से मिल के आए हो गुमसुम रह रहे हो। क्या आपको डांट वांट दिया क्या? नहीं यार, मेरे लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छी बात हुई उनसे और मुझे समझ आया कि मेरा लक्ष्य किसी और को सुधारना नहीं हो सकता। यार ये पल्लव दीदी को क्या हुआ, मैं ही जाके मामा जी से पूछ लेता हूँ इन लोगों की क्या बात हुई थी। तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात? अरे वो मैंने कुछ काम करना शुरू किया तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो खुशी, बड़ा अच्छा काम चल रहा है तो मजा आ रहा है। क्या क्या काम शुरू किया? ट्रेडिंग करना शुरू किया, पैसे। ट्रेडिंग? ट्रेडिंग काय की? स्टॉक मार्केट की। ओ अच्छा, ओके ओके ओके। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को समझते हो ना? सीख ही रहा हूँ अभी। अच्छा, क्या होता है ट्रेडिंग में? हम उत्पादक होते हैं या नहीं होते? नहीं, बैठने का काम है, बैठे बैठे ही बढ़िया रातों रात कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा है, लक्ष्य बना लिया मैंने। अच्छा, सभी लोग ट्रेडिंग करने लगे तो फिर सामान कहाँ से आएगा? क्या पता, तब तो नहीं पता है? नहीं पता, क्योंकि सबको ट्रेडिंग में फायदा हो रहा है। हाँ। तो धीरे धीरे प्रोड्यूसर जो है वो ट्रेडर बन जाएंगे। तो फिर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? डू यू हैव सम प्लान? दीदी को बुला के लाओ, तुम दोनों से बात करेंगे। अच्छा, साथ ही में जाओ। ठीक है, जाओ बुला के लाओ कहीं से, है ना? इधर गई थी पीछे वो। हम सभी सुखी होना चाहते हैं। हाँ या ना? अब हमारे पास केवल सुखी होने के लिए अब दो तरीके हैं, या तो हमको कोई हमारे अलावा कोई सुखी करेगा, और या मैं अपने में सुखी होऊंगा। तो हमारे अलावा कोई सुखी करने वाली कोई चीज तो अब तक मिली नहीं। तुमको क्या लगता है, तुम्हारे अलावा कोई दूसरी कोई चीज तुमको सुखी कर सकती है? चलो अगर इसमें सहमति है तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, तो बल्ले बल्ले। अब ये तो समझ में आ गया कि हमको हम ही सुखी कर सकते। अब हम मतलब क्या, मानव मतलब क्या? तो फिर से यहां से वो बात शुरू हो जाती है कि मनुष्य में दो भाग है, एक दिखने वाला भाग और एक ना दिखने वाला भाग, एक दिखने वाला भाग एक होने वाला भाग। ऐसी कोई भी चीज जो आंख नाक कान से दिखती हो, समझ में आती है, उससे आप सुखी नहीं हो सकते। उससे सुखी होने का जो मुद्दा है वो क्या है, यदि ऐसे सुखी होने की इच्छा है तो क्या है? दिखावा है। दिखावा जो दिख रहा है उस पर आश्रित है, दिखावा। समझने से सुख। तो मैंने तो इनको ये बताया कि देखो अपना लक्ष्य देखो, समझना है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य, मैंने सोचा था कि मेरा लक्ष्य तो है पैसे कमाना। अभी तो सुखी होना है या दुखी होना है? ऐसा लगता है कि पैसे से सब जुड़ा हुआ है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, खुशी। रहेंगे हम धरती भाई, आसमान के नीचे रहने वाले हैं, तो वैसे तो इंडिपेंडेंट कुछ होगा नहीं। तो हमको ये समझ में आ जाए कि हम सुखी होना चाहते हैं, बात बिल्कुल सही है। कुछ भी करके थोड़ी सुखी हो जाएंगे, चाहते सुखी होना, करो कुछ भी तो थोड़ी हो जाए। तो मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि हमारा जो दिखने वाला भाग है वो हमको सुखी नहीं कर सकता है, होने वाला भाग सुखी करता है। ट्रेडिंग को लक्ष्य थोड़ी है हमारा, खेती करना कोई लक्ष्य थोड़ी है, फैक्ट्री चलाना कोई लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य तो हमारा का वो है ना, समझना है, ये लक्ष्य हमारा, समझदार होना लक्ष्य है। समझदार होकर जो करते हैं ठीक ही करते हैं, फिर गलत काम करेंगे नहीं, ट्रेडिंग क्यों करेंगे? ट्रेडिंग तो प्रकार शोषण। चलिए ग्रेट, खुश रहिए दोनों भाई बहन, जाओ मजे करो। okay. लक्ष्य को पकड़ो और लक्ष्य पे जियो। ओके ओके, बाय बाय। ओके बाय। तो ये थी आज का डे ऑल अबाउट लुक सीरीज। तो इस सीरीज में अंशु भाई को तो बहुत कुछ समझ में आया ही, लेकिन उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ समझ में आया ही होगा। तो अब आपके जो भी प्रश्न बचे आप उन्हें मामा जी से लाइव पूछ सकते हैं आज का डे गोष्ठी सेशन में, जो कि है आज शाम को 7 बजे जूम मीटिंग्स पर। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर जो कि है 9968844444 पर, और डिटेल्स के लिए। तब तक के लिए बने रहें।